5 सालों बाहर रहेगा तो मनुष्य हो जाएगा। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, वो मनुष्य हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो संतानें 5-7 साल हॉस्टल में रहे, उनको खाने की इज्जत समझ में आ जाती है, घर में रहने की आदत आ जाती है और उनके डिवोर्स होने के चांसेस घट जाते हैं। एडजस्ट करना सीख लेता हूं। आप बच्चों को अपने से दूर भेजें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बड़ौदा भेजें, अहमदाबाद भेजें, बॉम्बे भेजें, पुणे भेजें, बैंगलोर भेजें, आप कहीं भेजें, पर उसको अकेले रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और अकाउंट में पैसा लिमिटेड डालें, क्रेडिट कार्ड न दें, उसको फील होने दें कि 10 रुपए में हफ्ता कैसे निकाला जाता है। वो स्किल डेवलप करता है। जब हमारे पास 10 रुपए हुए करते थे और पूरा हफ्ता हॉस्टल में निकालना होता था, तो हम पता करते थे किसके पास पैसा है और कैसे निकाला जाए, क्योंकि लौटाना तो है नहीं। पूरा मार्केट यही काम करता है। आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसको पब्लिक खरीदे और उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसा हो। ये सारे स्किल सेट आदमी डेवलप करता है। मैं चाहता हूं संतानों को बाहर हम भेजें। उत्साह, निश्चय, धैर्यवाद, पेशेंस लेवल हमारा कम हो गया। आप रेडीमेड खरीदेंगे, आप रेडीमेड खरीद के देंगे, सिला हुआ कपड़ा पहनने का जो आनंद है वो रेडीमेड में कहा। कपड़ा पहले चुनने का, फिर उसको डिलाइट वाले को देने का, फिर डिलाइट वाला बोलेगा 20 दिवस पछी मल से फोन करीने आओजो, फिर हम 20 दिन के बाद जाएंगे, फिर पेरेंट्स उसको बोलेगा भी मुक्की दो, पहला प्रोग्राम में पेर जो 20 दिन बाद उसको पहनेंगे, 20 दिन सिलाई का और 20 दिन वेट करने का, 40 दिन का इंतजार कि उस कपड़े को मैं पहनूंगा। धैर्य लेवल डेवलप होता है। मैं चाहता हूं कि पेशेंस लेवल पर हम काम करें। हमारे बच्चों का धैर्य बहुत कम है। चुटकी बजा के चीजें चाहिए, चुटकी बजा के दुनिया में कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो धैर्य के ऊपर हम काम करें। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने लोग भी सफलता प्राप्त किए, उनके पास धैर्य था। उत्साह, निश्चय, धैर्यवाद, तत्त्वतः कर्मा प्रवर्तते। हर आदमी जीवन में फेल होता है। आप भी फेल हुए, मैं भी फेल हुआ हूं। मैंने भी 2 बार बिजनेस शुरू किया है, एक में फेल हुआ, दूसरा में सफल हुआ हूं। आदमी फेल नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। आप उसको फेलियर्स की कहानी बताएं, तत्त्वतः कर्मा प्रवर्तते, गलतियां बताएं। आप बताएं किसने क्या गलती की, उसके नाते क्या हुआ, लेकिन उसको कैसे इंप्रूव किया वो भी बताना जरूरी है। तत्त्वतः कर्मा प्रवर्तते, संग त्याग। अगर सही समय पे कुरुवंश ने शकुनी को त्याग दिया होता और सही समय पे रघुवंश ने मंथरा को त्याग दिया होता, अगर सही समय पे लुई परंपराओं ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को समझ लिया होता, और अगर ज़ार रशियन एम्पायर ने सही समय पे ज़रीना के मित्र को समझ लिया होता, तो न ज़ार एम्पायर खत्म होता, न फ्रेंच रेवोल्यूशन होता, न रामायण होता, न महाभारत होता। हमारे आसपास में भी कुछ ऐसी बलाएं हमेशा रहती हैं जो हमको पता नहीं होता है कि वो चाहे अनचाहे हमारे परिवार को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, हमारे संतानों को गलत डायरेक्शन दे रही होती है, गलत मोटिवेशन दे रहे होते हैं, गलत रोल मॉडल दे रहे होते हैं। हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है। हमारे घर में हम कभी AM9 की बात नहीं करते, हम कभी वर्गीज कुरियन की बात नहीं करते, हम कभी हमारे घर में ओपी मुंजाल की बात नहीं करते, हम इनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ते। ब्राह्मण कैसा जो घर में किताबें ना पढ़े। मुझे कभी कभी सरप्राइज होता है कि मैं कुछ ब्राह्मण्स के घर में जाता हूं, उनके घर में लाइब्रेरी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे पास राइट्स होने चाहिए, सबने छीन लिए हैं। आपके पास राइट्स कैसे हो सकते हैं अगर आप धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, आपके घर पर लाइब्रेरी ना हो। मेरे घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमें पढ़ने की आदत डालें, रोल मॉडल्स बच्चों के सामने ला के रखें, हम बताएं कि कौन से करेक्टर की क्या वैल्यू है। महाभारत में एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूं, धीरे धीरे कंक्लूजन पे आता हूं। सर ने मुझे पहले ही धमकी दी है 15 मिनट की। भीम महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, उनको 200 गदे, 250 तोमर, 350 तीर मारने के बाद भीम को गुस्सा आया। अपने को तो यहां पे जो खाना खाने के बाद वो जो लकड़ी का मिलता है ना, दांत खोदने वाला टूथपिक, वो भी कोई चुभोता ना तो बिना दांत के घर जाएगा। आप सोचिए धैर्य लेवल क्या रहा होगा आदमी का। 200 गदा, 250 तोमर, 350 तीर, अनेकों भाले लगने के बाद भाई को गुस्सा आया। तो भाई तब तक क्या कर रहे थे? भाई इंतजार कर रहे थे कि अभी ये चला जाए, मेरे लेवल का पहलवान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी छेड़ रहा है, तो खत्म करो मैटर, यही फिर डिस्क्लोज करते। कंसर्न इज वेरी सिंपल। हमारे धर्म ग्रंथ पेशेंस सिखाते हैं। भगवान राम पूरी करियर पढ़िए, आदमी आता है पूरा सेलिब्रेशन चल रहा होता है कि कल आपको गद्दी पे बैठना है, पूरा रंगमंच सजा हुआ, अचानक कोई आकर के बोलता है कि कैके माँ ने बुलाया है, ऐसा ठीक है, डर जाते हैं। वहां पे भाई पिता जो बेहोश पड़े हुए, कैके बोलती है कि तुमको वनवास में जाना है, ऐसा ठीक है, सुबह चला जाता। नो आर्ग्यूमेंट।
सबसे प्रिय माँ कैकेयी और सबसे प्रिय पुत्र राम, राम ने एक प्रश्न नहीं पूछा कैकेयी से दूसरे दिन जाने की तैयारी की। सीता बोली अकेले जाओगे पिकनिक पे, मैं भी आऊंगी। ये दो तैयार होता, लक्ष्मण बोले हम भी आऊंगा, और तीनों निकल पड़े। पूरे रास्ते के आप जानी दो कोई आके खड़ा हूं मांग के लेके जा रहा है, तो कोई किसी भी तरह की चीज मांग रहा है, पूरे रास्ते में त्याग और संघर्ष है। आप राम सिर्फ भगवान के तौर पे ना देखें, एक रोल मॉडल के तौर पे देखें। हमारे परिवार में डिस्कशन ही नहीं है, हम कृष्ण के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, हम परशुराम का डिस्कशन ही नहीं करते। आप जब तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं करेंगे तो बच्चों के सामने सिर्फ एक काल्पनिक कथा बन के रह जाएंगे। हमारे दुर्भाग्य है कि हम उनके रोल मॉडल के तौर पे उनकी बातें हम नहीं करते। उत्साह निश्चयता धैर्यवाद तत्त्वतः कर्मा प्रवर्तते संग त्याग सत्वता। हमारे जीवन में एक सही रोल मॉडल होना चाहिए, हम उनकी बातें करें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया। अगर अपने बच्चे को आप अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उन डॉक्टर्स के बारे में बताइए जिन्होंने सही में समाज में बड़ा काम किया है। अपने बच्चों को अच्छा फार्मासिस्ट बनाना चाहते हैं तो अच्छे फार्मासिस्टों के बारे में पढ़े और उनको बताएं। आप उसे कलेक्टर बनाना चाहते हैं, उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो आप उन आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताएं जिन्होंने सही में समाज में बदलाव लाए हैं। आप उनको आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करें। आपको जो बनाना है आप सिर्फ उसको टारगेट मत दो। 98% तो लाउज पढ़ से हाँ तारे एमबीबीएस ना जाऊ तो वो बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि इनर मोटिवेशन नहीं है। आप उसको उसके एमबीबीएस में भेजना है तो हर हफ्ते महीने में एक बार जाके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलवाइए और दिखाइए को कैसे सेवा कर रहा है, उसके नाते उसको कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं, कितने लोग उसको जानते हैं, कितना रिस्पेक्ट। एक बार बच्चे के दिमाग में सेट हो गया एमबीबीएस बनने से इतने लोगों का मैं भला कर सकता हूं, मेरे को भला करने के लिए डॉक्टर बनना है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के भी डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकते। हम चीज ही गलत ढंग से पीते हैं। उत्साह निश्चयता धैर्यवाद तत्त्वतः कर्मा प्रवर्तते संग त्याग सत्व्रत शब्देर भक्ति प्रसिद्धति। अगर ये छह चीज आप करें तो मैं दावे के साथ करता हूं कि आपकी संतानें आने वाले समय में आप जो चाहते हैं वो अथवा वो जो चाहता है वो उस शिखर पे पहुंचेगा। लेकिन किसी को भी आप कॉपी करें, हर बच्चा अपने या तो पिता को कॉपी करता है तो माँ को कॉपी करता है। आप सचिन तेंदुलकर की तरह रोज बैटिंग करें ना तो आप सचिन तेंदुलकर जितने महान नहीं लेकिन सचिन तेंदुलकर तक के लेवल के प्लेयर हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको जो बनना हो उसको फॉलो करें। मेरा सब सिंपल सा कंसर्न है आप उसको जो बनाना चाहते हैं उस तरह के लोगों से आप उसको मिलवाना करें, उससे आप मिलवाएं, उसके बारे में बताएं, उसकी कहानियां कहें। आइंस्टाइन की एक छोटी सी कहानी है, दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ कंक्लूडिंग। आइंस्टाइन से किसी ने कहा कि मेरे बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो मैं क्या करूं। आइंस्टाइन ने बोला कहानियां सुनाओ। बोले और इंटेलिजेंट बनाना है तो और कहानियां सुनाओ, और खूब इंटेलिजेंट बनाना है तो खूब सारी कहानियां सुनाओ। कहानियां पढ़ें और सुनाएं, पढ़ें और सुनाएं। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाली कहानियां नहीं, आधी गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां लड़ी, इतिहास में दो ही तराइन की लड़ाई है, बाकी 15 कहां पे लड़ दी मुझे नहीं मालूम, नहीं पृथ्वीराज चौहान को भी मालूम नहीं। कभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप से डेटा उठा करके ना दें, आप डेटा ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं, आप लाएं पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा लिखे तो उसके साथ आप भी बैठ के लिखें। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी परंपरा है, खास करके माएँ, खास करके दादियाँ, खास करके नानियाँ, आप लोगों के लिए। क्योंकि बच्चा अगर फेल होता है, डिप्रेशन में आता है, अपने जीवन में किसी भी तरह से कहीं पर भी जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत माँ दादियों को होती है, क्योंकि बच्चा घर में रहता है। पप्पा लोग तो छठक बारी से कूद लेते हैं, एक थैली दूध के चक्कर में 2 राउंड मार करके आएंगे, 2 घंटे उठ के निकल जाते हैं। दिक्कत माओं को होती है, आपको उनके साथ बैठना होगा। अगर बच्चा बैठ करके 10th बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो आप भी उसके साथ बैठे। अपने पास तो बहुत सारी किताबें हैं जैसे बैठ के जैसे कृष्णा लिखने का, जय महाराज लिखने का, जय स्वाम लिखने का, ओम पता नहीं क्या क्या सब लिखने का हमारे पास किताबें हैं। आप उठा करके लाइए 10 नोटबुक और बोलिए जब तक इसका बोर्ड नहीं खत्म होता तब तक मैं भगवान लिखूंगा। सोचिए दो चीज हो गया, बच्चा प्रिपेयर भी हो गया और आपको पुण्य भी मिल गया, एक साथ एक के ऊपर एक दूसरा फ्री। आप को ऐसा है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसको और अटेंशन में मुझे, आप साथ में बैठिए, आप पूरा सीरीज डाउनलोड कीजिए श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत का आप यूट्यूब पे पूरा सीरीज डाउनलोड करिए, अपने कान में डट्टा लगाइए, बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, बैठ करके एक एक अध्याय रोज सुनिए। जब तक उसका 10th बोर्ड या 12th बोर्ड की तैयारी खत्म होती है आपका पूरा श्रीमद् भागवत खत्म हो जाता है, श्रीमद् भगवत गीता खत्म हो जाता है, पूरा विष्णु पुराण खत्म हो जाता है, पूरा शंकर, मतलब आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। बच्चा एग्जाम खत्म करके अगर वो इंजीनियरिंग करने अथवा मेडिकल करने बाहर जाता तो आप घर पे अकेले नहीं, क्योंकि आपने भी एक हैबिट डेवलप की है।
आपको भी पढ़ने की और क्वालिटी सुनने की आदत हो गई है, आप खुद भी डिप्रेशन में और अकेलेपन के शिकार नहीं होंगे। ये सारी आदतें हमको काम आती हैं। मैं चाहता हूं कि हम मिल करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को एक डायरेक्शन में लेकर के जाएं। अकेले बच्चे नहीं जा सकते, आप घर में बैठकर नागिन सीरियल देखें और बच्चा नागरिक शास्त्र पढ़े, ये नहीं हो सकता। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। आप मोबाइल में बैठ करके व्हाट्सएप पे चैट करेंगे और बच्चा किताब में पढ़ेगा, पॉसिबल नहीं है। आप मोबाइल में बैठ करके घुसे रहेंगे तो आप चाहेंगे बच्चा किताब में घुस जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको घर पे आने के बाद बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, घर के फीमेल से बात करनी पड़ेगी, घर के लोगों से बात करनी पड़ेगी। हमने घर में बात करना बंद कर दिया है मोबाइल और टेक्नोलॉजी के चक्कर में, और इसका नतीजा हम सबको मालूम है। मैं चाहता हूं टेक्नोलॉजी का उपयोग हम सीखें। हम चाहते हैं कि अपने समाज में इस तरह के सेशंस हो कि टेक्नोलॉजी के एडिक्शन से कैसे बचा जाए, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर और एक सुदृढ़ समाज बना सके। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी, आपने मुझे इसके लिए सुना, मुझे इसको मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।